प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज अलीराजपुर के उमराली में थे। यहाँ उन्होंने नर्मदा सिंचाई परियोजना का लोकार्पण किया, लेकिन इस पूरे कार्यक्रम में उन्होंने जो कयासबाजी है उसको लेकर एक चीज़ क्लियर की। मीडिया रिपोर्ट्स लगातार बीजेपी की दूसरी सूची के बाद ये कह रही थी कि शायद शिवराज सिंह चौहान को टिकट ही न मिले या केंद्रीय बीजेपी का आलाकमान उनका पत्ता मध्य प्रदेश से साफ करने के मूड में है, क्योंकि जिस तरीके से हैवीवेट लोगों को टिकट दिए गए थे, कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रहलाद पटेल और तीन अन्य सांसदों को, उससे ये अटकलें मीडिया रिपोर्ट्स में लगाई जाने लगी थी। लेकिन आज अलीराजपुर के उमराली के मंच से जब जनता से मुख्यमंत्री रूबरू हो रहे थे, तब उन्होंने अपने भाषण के बीच में ये इशारा किया, तरीके से उन्होंने इशारा किया कि वो ही मुख्यमंत्री होंगे। कैसे इशारा किया? उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव के बाद वो ऐसी योजना लेकर आने वाले हैं जिसमें हर घर में एक व्यक्ति को रोज़गार मिले। ये उन्होंने ऐलान कर दिया, योजना का ऐलान कर दिया, और साथ में ये कहा कि वो चुनाव के बाद इसे लागू करेंगे। इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री के बतौर उन्होंने अपने आप को प्रस्तुत कर दिया एक बार फिर से। अब जो अटकलें और कयास हैं वो अपनी जगह है, हालांकि जब अंतिम सूची आएगी तब यह स्पष्ट होगा कि शिवराज सिंह चौहान बुधनी से उम्मीदवार होंगे या नहीं होंगे। संभावना पूरी है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो बॉन्डिंग महिलाओं से या मामा भांजे वाली बॉन्डिंग है, उसको देखते हुए ही और उनके लोकप्रियता को देखते हुए ही शायद बीजेपी आलाकमान उनको बीच में हटा नहीं पाया। अब चुनाव के पहले वो जो भांजियाँ हैं, भांजे हैं या बहनें हैं, उनको शायद नाराज़ करना संभव नहीं है। ये बात मोदी और अमित शाह की जोड़ी को भी समझनी होगी, और शायद वो समझ रहे होंगे। और यही बात है कि कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वास से भरे हुए शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर से मंच से कह दिया कि वो मुख्यमंत्री हैं, उनको जिताएं, और जिताने के लिए बहनें खुद मैदान में आएँ, और साथ में रोज़गार, हर घर में एक रोज़गार देने की योजना के जरिए उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वो सरकार बनने पर मुख्यमंत्री होंगे। इस बयान को आप सुनिए मुख्यमंत्री के, हम इसको दो बार रिपीट कर रहे करेंगे, आप इसको सुनिए और समझिए कि जो अटकलबाजी है, कयासबाजी है, उसको एक तरीके से उमराली के मंच से शिवराज सिंह चौहान ने जवाब दिया है। अब आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और एक बात और सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनना, अगली सरकार बनने पे हर परिवार में एक रोजगार, एक व्यक्ति को हर परिवार में रोजगार दूंगा, हर परिवार में एक व्यक्ति को रोजगार, नागर हर परिवार में, ताकि पलायन ना करना पड़े। एक व्यक्ति को रोजगार, चाहे सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, चाहे वो हमारे उद्यम क्रांति योजना के माध्यम से, चाहे सरकारी नौकरी के माध्यम से। मेरे भाई और बहनों, मध्य प्रदेश की माटी की पूजा और तुम्हारी सेवा के लिए मुख्यमंत्री बना हूं, दिन और रात काम करता हूं तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए, और तुम्हारी जिंदगी में अगर बेहतरी आ गई तो मेरी जिंदगी सफल हो गई, मेरा मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो गया, कि मैं अपनी बहनों के लिए कुछ कर पाया, अपने भाइयों के लिए कुछ कर पाया, अपने बेटा बेटियों के लिए कुछ कर पाया। और एक बात और सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनना, अगली सरकार बनने पे हर परिवार में एक रोजगार, एक व्यक्ति को हर परिवार में रोजगार दूंगा। अगली सरकार बनने पे हर परिवार में एक रोजगार, एक व्यक्ति को हर परिवार में रोजगार दूंगा। और एक बात और सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनना, अगली सरकार बनने पे हर परिवार में एक रोजगार, एक व्यक्ति को हर परिवार में रोजगार दूंगा, हर परिवार में एक व्यक्ति को रोजगार, नागर हर परिवार में, ताकि पलायन ना करना पड़े। एक व्यक्ति को रोजगार, चाहे सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, चाहे वो हमारे उद्यम क्रांति योजना के माध्यम से, चाहे सरकारी नौकरी के माध्यम से। मेरे भाई और बहनों, मध्य प्रदेश की माटी की पूजा और तुम्हारी सेवा के लिए मुख्यमंत्री बना हूं, दिन और रात काम करता हूं तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए, और तुम्हारी जिंदगी में अगर बेहतरी आ गई
तो मेरी जिंदगी सफल हो गई, मेरा मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो गया कि मैं अपनी बहनों के लिए कुछ कर पाया, अपने भाइयों के लिए कुछ कर पाया, अपने बेटा बेटियों के लिए कुछ कर पाया।